परिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया महायूपी में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत और 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जुलाई है और दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि अब नए उपराष्ट्रपति देश को मिलेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई तक होने की बात कही जा रही है। फिलहाल यह बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत, दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो नामांकन की शुरुआत आज से और 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होगा। फिलहाल यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है और इसी के चलते अब नए उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और 20 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होने की बात कही जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आपको बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही कार्यकाल खत्म होने को है, जिसके चलते अब देश को नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिलने हैं और इसी को लेकर यहां पर अब उपराष्ट्रपति के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें और एम वेंकैया नायडू फिलहाल देश के उपराष्ट्रपति और इनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। फिलहाल कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कौन नामांकन करेगा? प्रत्याशी दोनों ही विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से किसे बनाया जा सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बीजेपी और एनडीए के पास में लगभग पूरा बहुमत है और ऐसे में बीजेपी अपनी जीत जो है वो लगभग सुनिश्चित मान के चल रही है और ये बात विपक्ष को भी पता है और यही बड़ी वजह है कि पूरा फोकस जो है फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रखा गया है, जो कि 18 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और यही एक वजह मानी जा रही है कि अब तक ना ही विपक्ष की तरफ से ना ही एनडीए की तरफ से कोई कैंडिडेट के नाम का अनाउंस हुआ है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम एनडीए की तरफ से जरूर टॉप फ्लोर पे चल रहा है, कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई लोग रेस में हैं। दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनका भी नाम उपराष्ट्रपति रेस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई सारे नामुक लेके अभी चर्चाएं हो रही है। बीजेपी संसदीय दल की जब बैठक होगी तो जाहिर तौर पे उससे पहले एनडीए के जो घटक दल हैं, जो सहयोगी हैं, उनसे विचार विमर्श होगा और उसके बाद नाम फाइनल होगा। 6 अगस्त को चुनाव होना है और जो वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है उनका कार्यकाल 11 अगस्त तक है, तो जाहिर तौर पे इसे लेके जो पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष दोनों अपनी रणनीति जरूर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है दोनों का फोकस जो है वो राष्ट्रपति चुनाव को लेके है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव को ले चुनाव में भी बीजेपी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल, नो डाउट। देखिए अमित जी, की अगर नंबर गेम की बात करें तो नंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जो एनडीए है हम कह सकते हैं उनके पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं, राष्ट्रपति के लिए भी काफी रणनीति उनकी ओर से की गई थी और राष्ट्रपति के जो प्रत्याशी सामने आए हैं यशवंत सिन्हा, उनके नाम को लेकर भी लंबा विचार विमर्श विपक्षियों की ओर से भी हुआ था। क्या लगता है वैसे अब तक, क्योंकि एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी का नाम आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से या फिर अमरिंदर सिंह का नाम हो सकता है, जो विपक्षी हैं क्या अब तक कोई नाम सूत्रों के हवाले से कोई सामने आया कि किसको जो है वो आगे लेकर आ सकते हैं? देखिए, विपक्ष की तरफ से भी कोई नाम सामने नहीं आया। दूसरी चीज, सरकार भी चाहती है कि राष्ट्रपति का चुनाव भले ही आम सहमत से नहीं हो सका राष्ट्रपति का सिलेक्शन, लेकिन उपराष्ट्रपति को लेकर विपक्ष के साथ एक बार फिर रणनीति बनाई जाए और बिना चुनाव के ही कोई साझा प्रत्याशी इस तरह से निकाला जाए जिसे दोनों न सिर्फ सरकार सपोर्ट करे बल्कि विपक्ष भी सपोर्ट करे। इसे लेके भी बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा था, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है, लेकिन चाहे यशवंत सिन्हा हो, वो भी पूरे देश भ्रमण पे है, खासतौर जगह जगह जो है वो
तमाम प्रदेशों में वोट जो है वो मांग रहे हैं, और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए के प्रत्याशी है वो भी लगातार कई राज्यों का दौरा कर रही है। तो ये बड़ी चीज है, अभी फोकस जो है वो वहां पे दिख रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, उससे पहले जो खासतौर पर एक कमेटी जो बनाई गई थी राष्ट्रपति को लेके आम सहमति को लेके, यही कमेटी एक बार फिर उपराष्ट्रपति को लेके विपक्ष के तमाम लोगों से बात करेगी कि आम सहमति से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तय हो सके, और ये इसके लिए तमाम नामों को लेके एक लिस्ट जरूर तैयार की जा रही है, और उम्मीद है बहुत जल्द जो है लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली से खबर है जहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कई नामों को लेकर अब विचार विमर्श होना भी शुरू हो चुका है।